Hi guys, what's up? Welcome back to another new video, guys. So this is your host Aryan and you are watching the channel named Town Hall Aryan. So guys, कैसे हो? I hope so यार सभी लोग सही होंगे और सही होने भी चाहिए. तो जैसे कि आप टाइटल थंबनेल पढ़ के आ गए हो और तुरंत वीडियो पे क्लिक कर दियो, तो जी हाँ गाइस, आप एकदम सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्लैन वॉर लीग और साथ ही साथ नॉर्मल वॉर्स साथ में एक ही टाइम में खेल सकते हो या नहीं. सो जानने के लिए आप देखते रहिए वीडियो को एंड तक, और अगर टाइम खोटी हो रही है तो भाई 2x स्पीड में देख लेना, लेकिन वीडियो ज़रूर पूरी देखना. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो. तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि CWL चालू है और मोस्ट प्रोबेबली सारे क्लाइंट्स का CWL ख़त्म हो चुका होगा जब तक ये वीडियो आ रही होगी. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 hour 6 minutes बाकी है क्लैन वॉर लीग ख़त्म होने के लिए, और मैं जो क्लैन में क्वांटम पे कास 15 vs 15 स्टार्ट होने वाला, लेकिन गलती से स्टार्ट हो गया 30 vs 30. तो उसको साइड में रखते हैं अपन. सो अपने पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो अपने को एक्सप्लेन ही करना है. ओके, सी अपन यहाँ पे खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते क्लैन वॉर लीग और साथ ही साथ नॉर्मल वॉर्स. सो सबसे पहले ये क्लैन वॉर लीग है, तो इस वाले बेस में मैं अटैक करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, और मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ बेसिकली. ये जो वीडियो आप देख रहे हो, मतलब कि मैं ऐसी हालत में मैंने रिकॉर्ड किया था कि गाइज आप सोच भी नहीं सकते हो, मतलब कि मैं इतना बिजी था, तो मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐसे टाइम पर किया ना कि भाई आप कोई सोच ही नहीं सकता भाई. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अटैक कर लेते हैं. ये आप देख सकते हो कि नॉर्मल वॉर नहीं है, ये क्लैन वॉर लीग है. सो क्लैन वॉर लीग में मैंने आर्मी में, मतलब मैं कुछ और यूज़ करने वाला था, लेकिन मेरे पास आर्मी थी नहीं, और मतलब कि मेरे को कैसे भी अटैक करना था. सो मैं देखा कि मेरे पास इलेक्ट्रो ड्रैगन वाली आर्मी है, तो क्यों ना टनल 11 पे ही अटैक कर दिया जाए, क्योंकि इस पर 1 star ऑलरेडी ले दिया था, तो मेरे को ना 3 star अटैक करना था. तो इधर मैं फनल हुआ, वैसे ज़्यादा अच्छा फनल नहीं हुआ, लेकिन पर फिर भी काम चलाओ फनल हुआ. और मतलब कि इतना डिस्टर्बेंस होने के बावजूद मैंने कैसे ना कैसे ट्रुप्स छोड़ दिए, और यहाँ पे जो गलती हो रही है वो स्पेल्स गिराने में गलती हो रही है. बाकी सब ट्रुप वगैरह प्लेसमेंट सही है, बस स्पेल गिराने में गलती हो गई थी थोड़ी बहुत, लेकिन बाकी सब अटैक सही जा रहा है. तो इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक में आपको बस दो ही चीज़ अच्छी करनी होती है, बस दो चीज़, ज़्यादा नहीं करना होता है. और एक होती है फनलिंग, और दूसरा होता है प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ स्पेल्स, मतलब कि आप स्पेल्स कहाँ कहाँ डाल रहे हो, एयर स्वीपर पर डाल रहे हो, इन्फर्नो टावर पर डाल रहे हो, सीसी पर डाल रहे हो, मतलब कि आप कौन से जगह क्या यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा मायने देता है. तो इधर मैं अभी कुछ बचा नहीं था, मतलब कि जो मेरी होप होती है ना, मेरी होप मतलब ज़ीरो हो गई थी कि अभी जो अटैक जो है 3 star होने वाला है कि नहीं होने वाला. सो यहाँ पे आप, मैं गेम प्ले थोड़ा स्पीड कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम खींचने में टाइम बर्बादी होने वाली है और लोग वीडियो देखते नहीं हैं. सो इधर मैं भाई हीरो ने बचा लिया, टाउन हॉल ले लिया, पर फिर भी ना ये जो अटैक है ना 2 star ले पाया, मतलब मैं सोचा था कि 3 star हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, मेरे को तो आपको शो करना था. और वैसे भी सारे की सारी वॉर्स आ रहे थे, और हमारा जो क्लैन का जो प्लेस था एकदम नीचे था 8वें नंबर पे. सो यहाँ पे 91% के साथ 2 star आ चुका है, और इधर हमारे लोगों को 41 stars मिला है, मतलब कि हमारे मेंबर्स को. सो मुझे पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ. सो इधर आप लोग देख सकते हो कि मैंने अभी अटैक किया नॉर्मल वॉर्स पे. ओके, सो अभी मैं क्लैन लीव करता हूँ, और अभी क्लैन लीव करके मैं अपने जहाँ पे मैंने वॉर स्टार्ट किया था, एक level 1 का क्लैन बनाया था मैंने. सो अगर आप पिछले लाइव स्ट्रीम में मेरे वाले आए होगे, तो आप लोग को पता ही होगा कि मैंने क्या मतलब कि एक्सपेरिमेंट कर रहा था. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी नॉर्मल वॉर्स भी खेल सकता हूँ मैं गाइज, अभी मैंने आपके सामने लिव किया, ये वीडियो कोई कट नहीं है, अभी आपके सामने. यहाँ पे मैंने बातचीत की थी कि भाई कैसे भी 5 बंदे आ जाएं. सो 3 members तो मैं लाया था, और बाकी 2 ID मेरे फ्रेंड ने जुगाड़ की, वॉर स्टार्ट किया, वो बैक हो गया अपने क्लैन में वापस. तो बहुत बहुत थैंक यू प्रवीण भाई. और यहाँ पे अपन देख सकते हो कि भाई नॉर्मल वॉर चालू है भाई, 4 घंटे बाकी है बैटल डे में. सो ये फेक वीडियो नहीं है. सो अभी आर्मी तैयार करके चलो अटैक करने पे आते हैं. ओके गाइस, सो यहाँ पे अपने पास हो चुकी है आर्मी रेडी.
सो ये देख सकते हो वॉर एंड CWL एक्सपर्ट लिखना था मेरे को क्लैन में, पर टी के लिए जगह बची थी नहीं। सो यहाँ पे मैं कैसे भी अटैक कर देता हूँ, ये भी बहुत मुश्किल सर्कमस्टेंसेस में मैंने रिकॉर्ड की थी ये वाली वीडियो, क्योंकि ये वाली वीडियो वगैरह कट नहीं है। सो यहाँ पे पेका बॉलर बैट वाला आर्मी मैंने चूज़ किया था। सो गाइस आप इसमें एक चीज़ और ये देख सकते हो कि आप वॉर भी खेल सकते हो, साथ ही साथ क्लैन वॉर लीग भी खेल सकते हो, मतलब कि दूसरे क्लैन में CWL खेलना और अपने क्लैन में वॉर खेलना, ऐसे आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो जैसा मैंने कहा था। सो देखो अगर आप 3-star अटैक करते हो CWL में, तो देखो आपको एक दिन का 3-star तो मिल ही रहा है, और नॉर्मल वॉर पे आप अटैक करोगे 6-star लोगे तो कितने स्टार मिल गए आपको एक दिन के, 9-star मिल गए है ना। सो इसमें अगर आपको जो बैटल मतलब कि जो होते हैं ना 1000 stars गेन करने का वो वाला जो माइलस्टोन होता है वॉर स्टार्स, तो वो वाला माइलस्टोन आपका कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही साथ जो CWL का जो होता है ना 250 वॉर स्टार्स लोगे तो 250 जेम्स मिलेगा आपको। सो ये वो वाली वीडियो आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आई बटन पे दिखा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और अब जो क्या बोलते हैं, हाँ जब वीडियो एंड होगी तो उसमें जो लास्ट में कार्ड है उसमें मैं डाल दूंगा। सो मुझे ये चीज़ ध्यान रखना होगा। सो मतलब कि देखो वॉर तो पता ही आपको 2 दिन में ख़त्म होता है, एक दिन प्रिपरेशन डे होता है और एक दिन होता है बैटल डे। सो प्रिपरेशन डे में आप लोग एक दिन तो आपको प्रिपरेशन डे करने मिलेगा, और तब तक एक दिन में आप CWL में अटैक कर लेना। तो CWL में अटैक करके आप समझो आपने 3-star निकाल लिया, सो अगले दिन भी CWL तो कंटिन्यू रहेगा, सो उसमें भी आप 3-star निकालते हो और 6-star निकालते हो नॉर्मल वाले वॉर पे, तो कितने हो गए आपके एक दिन में स्टार्स, 9-star हो गए। सो इसमें जो आपका अचीवमेंट है आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो बैट्स ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी ये जो अटैक है 3-star जाएगा कि नहीं जाएगा मुझे बताओ। सो इतना टाइम तो है नहीं अपने पास, तो अभी कर लेते एकदम फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग देखोगे नहीं है ना। सो यहाँ पे बस एक ही चीज़ बाकी रह गई थी, वो था इनफर्नो, और जहाँ की मैंने वेस्ट कर दी थी अपने वॉल ब्रेकर्स ऐसे फालतू गिरी में। सो अगर मैं वॉल ब्रेकर यूज़ नहीं करता ना ऐसे ही मतलब कि, तो ये अटैक 3-star जा सकता था। और पेका बो बैट बहुत अच्छी आर्मी है, आप यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे आपने देख लिया है कि मैंने सेम टाइम में मतलब कि अटैक किया भाई, मैंने वॉर में भी अटैक किया और CWL में भी अटैक किया आप लोग के सामने। सो ये वीडियो कोई फेक नहीं है, और गाइज अगर वीडियो यहाँ तक देख लियो ना तो यार लाइक नहीं किया तो गाइस क्या कर रहे हो यार, लाइक दबा दो, क्योंकि लाइक दबाओगे ना आप तो मेरी जो वीडियो है ना ज़्यादा लोग को रिकमेंडेशन में जाएगी, और वीडियो आधी देखने के बाद है ना। सो अगर आपको देखना ही है मतलब कि बोर हो रहा है, तो भाई बोर तो मैं वैसे करता नहीं हूँ, मैं कमेंट ट्राई करता हूँ अगर तो 2x स्पीड में देख सकते हो, बस वीडियो आधी छोड़ना मत, या तो क्योंकि उससे वीडियो का ऑडियंस जो रिटेंशन होता है ना कम हो जाता है। सो यूट्यूब को लगता है कि नहीं ये वीडियो ज़्यादा लोग को मेरे को रिकमेंड नहीं करनी है, तो ज़्यादा लोग के पास व्यूज़ नहीं जाता मतलब कि व्यूज़ नहीं आते। ओके सो आप समझ ही गए होंगे यूट्यूब का अल्गोरिदम। सो यहाँ पे मैंने आपने देख ही लिया, मैंने इलेक्ट्रो ड्रैगन से दोनों लेफ्ट और राइट साइड से फनलिंग किया, और सीधे सीधे मैं क्वीन थोड़ी बिजी हो गई एक्सबो के चक्कर में, और वल्केरिस तो ईगल डाउन कर ही लेती है, साथ ही साथ ये जो पॉइजन स्पेल, भाई पॉइजन स्पेल आप जब इलेक्ट्रो ड्रैगन सीसी पर डालते हो ना, तो भाई इलेक्ट्रो ड्रैगन कुछ कर ही नहीं पाता यार, जब भी ओपोनेंट के सीसी से इलेक्ट्रो ड्रैगन आएगा ना, तो मेक श्योर कि आप फील्ड स्पेल ना डालने से अच्छा आप पॉइजन स्पेल डाल दो, क्योंकि इलेक्ट्रो ड्रैगन भाई नाचते रह जाता है भाई, मतलब कि कुछ नहीं कर पाता भाई, सही बता रहा हूँ। सो यहाँ पे हॉक माइनर वाला आर्मी लेके गया है ना। सो पता ही आपको हाइब्रिड स्ट्रेटजी मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता, मैं माइनर के साथ सुपर आर्चर यूज़ करता हूँ, आपने मेरी वो वीडियो देख ही ली होगी, अगर नहीं देखी है मतलब कि जब नया देखो एकदम न्यू सुपर आर्चर आया था, तो आप ऊपर कार्ड में दिखा दूंगा, ऊपर आई बटन में आप देख सकते हो बड़ा सा आ रहा है, तो वो वाली वीडियो भी देख लेना आप ये वीडियो के बाद, कि मतलब कि कैसी स्ट्रैटेजी थी टाउन हॉल 11 पे, कोई भी बेस 3-star आप इजीली ले सकते थे, तो 300 के ऊपर व्यूज़ है उसके, 303 कुछ है पता नहीं लास्ट टाइम इतना कुछ था, अभी बढ़ बढ़ गए होंगे मुझे पता नहीं, या फिर उतना ही होगा। सो टाउन हॉल फ्रीज हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी मुझे फास्ट फॉरवर्डिंग करनी है, क्योंकि अभी कुछ बचा नहीं है, अभी जो कुछ भी होने वाला है पता ही आपको, क्लैश ऑफ क्लैंस में आप एक बार जब ट्रूप छोड़ दोगे अपने जितने ट्रूप है और कुछ स्पेल्स बचेंगे नहीं,
तो भाई जो अपने जो होते हैं ट्रुप्स वो अपने आप ही काम करते हैं। पबजी तो है नहीं कि भाई कंट्रोल करते रहो, GTA तो है नहीं, तो ये तो क्लैश ऑफ क्लैंस का भाई करिश्मा है, आप जो कहना कह सकते हो। तो यहाँ पे अटैक 96% तक चला गया है बोलो। और वीज़ा टावर पता नहीं क्यों कैनन के इतने पास रहता, पता नहीं क्या उसको अच्छा लग रहा था। सो 96% देख सकते हो आप, इजीली मैंने ले ली है। सो आई होप सो वीडियो पसंद आ जाई होगी, आ गई होगी। सो ये नाइट वॉरियर भी नया नया क्लैन है, और मैं तो बस ये जो क्लैन बस मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया था। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। तो गाइस पसंद आ गई ना तो नीचे लाइक बटन दिख रहा ना दबा दो यार, अगर अब तक नहीं किया तो, और चैनल पे सब्सक्राइब कर दो यार अगर अच्छा लगा है तो, मतलब कि दिल से अच्छा लगा रहा है तो भाई कर दो। और ऐसे ही अच्छे कंटेंट, मतलब कि यूनिक कंटेंट हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे, तो सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल नोटिफिकेशन बटन होता है वो दबा दो और ऑल पे कर देना, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन मेरी आती रहेगी। सो पिछले लाइव स्ट्रीम में मैंने यही किया था, मतलब कि डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन क्लैश ऑफ क्लैंस और ऑमलेट आर्केड, यार पता नहीं क्या है मस्ती उसको। मैं 2 घंटे की लाइव स्ट्रीम किया था, और जब बाद में हुआ था ना प्रोसेस होने के बाद 54 मिनट का प्रोसेस किया था, जबकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन हाई था। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आ गई हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 239 मेडल्स मिले हैं मेरे को, और 239 मेडल्स मिलने के साथ मेरा जो क्लैन है बहुत ही ज़्यादा डिमोट हो चुका है लेवल 8 पे। सो यहाँ पे अभी देख लो यार, कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है यार। सो अब मैं क्लैन लीव करने वाला हूँ भाई लिटरली। सो लेवल 20 तक का एम था कि भाई जब लेवल 20 हो जाएगा भाई मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि क्लैन अच्छा है, ऐसा नहीं कर रहा क्लैन बेकार है, लेकिन जो मेंबर्स है इसके अंदर वो बेकार है। मतलब कि कुछ मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, सारे के सारे नहीं, मतलब बहुत नूब जैसे अटैक करते हैं भाई। 1 साल 1.5 साल मैंने भाई सह लिया है भाई, मेरा क्लैन होता ना HDI भाई कसम से किक मार देता, और मोस्ट ऑफ द मैं पीपल्स अपने फ्रेंड्स को रखता हूँ। सो आई होप सो वीडियो पसंद आ गई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू क्लैश ऑन।